परिषद ही अतिक्रमण की गिरफ्त में है। उसका मुख्य प्रवेश द्वार भी इससे अछूता नहीं है। शहर का कोई भी इलाका अतिक्रमण से मुक्त नहीं है। सड़कें 10 फीट तक अतिक्रमणकारियों की गिरफ्त में है। वही कभी कभार छोटे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया जाता, लेकिन बड़ों पर हाथ डालने से कतराती है। यही वजह है कि आज कॉम्प्लेक्सों के बाहर पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर परिषद में अतिक्रमण हटाओ दस्ता बना हुआ है, जिसमें कई कर्मचारी लगे हुए हैं। उन्हें साधन भी मुहैया करवाया हुआ है, लेकिन यह दस्ता कहाँ से अतिक्रमण हटाता है, यह सोचने वाली बात है। कागजों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर काफी कुछ होता है, परंतु हकीकत में कुछ दिखाई नहीं देता है। नगर परिषद के कोने पर नो वेडिंग जोन का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ खुलेआम वेडिंग हो रही है। अतिक्रमणकारी काबिज है। यह रास्ता काफी व्यस्त होने के बावजूद नगर परिषद यहाँ से अतिक्रमण हटाने में रुचि नहीं दिखाती, या फिर अतिक्रमण से जुड़े अधिकारियों की आंखों पर झाले आ गए हैं। नगर परिषद का मुख्य प्रवेश द्वार भी पार्किंग स्थल बन गया है। यहाँ बाहरी लोग गाड़ी तिरछे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे परिषद में आने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।